19 मई को सातवें और अंतिम चरण में होने वाले चुनाव के लिए शुक्रवार शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। शाम 5 बजे से पहले तक सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं और रोड शो करती नजर आईं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी रवि किशन के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। हरपुर बुदाहट में आयोजित जनसभा में उमड़े जन सैलाब को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों और उपलब्धियों को गिनाया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने खासकर गोरखपुर में फर्टिलाइजर और एम्स की स्थापना के साथ ही लोगों को रोजगार के साथ बढ़िया स्वास्थ्य सेवा मिलने की बात कही है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कला और विकास के समावेश को लेकर पार्टी रवि किशन के प्रत्याशी के तौर पर लेकर आई है, ताकि विकास के साथ ही कला के क्षेत्र में हमारे युवाओं को मौका मिल सके। इस विशाल जनसभा से 80% से अधिक मतदान करने का संकल्प कराया और जनसभु ने भी जोरदार तरीके से मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया। स्वागत की कड़ी में इसे कड़ी में महेश जी का आकर्ष करें। आबादी खातिर 130 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में, 100 करोड़ की आबादी हिंदू के भैया हो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। पांडे जी, आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री अश्विनी त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल जी, रमेश सिंह जी, राम जैन मौर्य जी, राम प्रकाश शुक्ल जी, आरडी सिंह जी, धीरज सिंह हरीश जी, परशुराम शुक्ल जी, प्रदीप शुक्ल जी, उदय भान सिंह जी, मदन मुरारी गुप्त जी, रामपाल सिंह जी, लालजी यादव जी, श्री विनोद कुमार मिश्र जी, श्री देवनाथ निषाद जी, राम बच्चन सिंह जी, गजेश शुक्ल जी, प्रमोद राय जी, राकेश तिवारी जी, मनोज सिंह जी, रंगनाथ। मोदी सरकार, भाइयों बहनों, हम लोग आप सबसे यही आह्वान करने के लिए आए हैं, जो नारा देश के अंदर गूंज रहा है, जो नारा देश के अंदर है, हर महिला, हर पुरुष, हर जवान, हर बुजुर्ग की, उस नारे के साथ गोरखपुर को भी, सैजनवा को भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि देश के विकास के लिए मोदी जी आवश्यक हैं, देश की सुरक्षा के लिए मोदी जी आवश्यक हैं, देश की खुशहाली के लिए मोदी जी आवश्यक हैं। 1.5 करोड़ लोगों को मोदी जी ने 5 साल में मतदान दे दिए, 10 करोड़ गरीबों को 1-1 शौचालय दे दिए, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दे दिए, 7 करोड़ गरीब महिलाओं को 1-1 रसोई गैस का कनेक्शन दे दिया, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा दी। भाइयों बहनों, आपको किसी को जिसको मकान मिला है, क्या उसकी जाति देख के मिला है क्या? मकान के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी यहीं पर मंच पर आए हैं। 2 साल में 24 लाख लोगों को अकेले उत्तर प्रदेश में मकान मिला है, 24 लाख, और उत्तर प्रदेश में 2.60 करोड़ परिवारों को 1-1 शौचालय भी मिला है। जिनको शौचालय मिला, क्या उनकी जाति देखी गई? जिसको रसोई गैस का कनेक्शन मिला, उसको उसकी जाति देखी गई? जब मोदी जी ने विकास जाति देख के नहीं दिया, बल्कि सबका साथ सबका विकास इस भावना के साथ किया, तो वोट भी तो जातिवाद से ऊपर उठकर के सहमत है। 101
100%। आप इस बात को मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है? मोदी जी ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की ना? पाकिस्तान के अंदर घुस घुस करके मारना शुरू किया ना? और आप देख रहे होंगे भाषण मोदी जी उत्तर प्रदेश में बलिया में देते हैं और पसीना इमरान खान को इस्लामाबाद में छोड़ता है। ये है भारत की ताकत, ये है नया भारत। आपको नया भारत पसंद है? स्वाभिमानी भारत पसंद है? सुरक्षित भारत पसंद है? समृद्ध भारत पसंद है? कि कांग्रेस सपा बसपा की सरकार के समय जब दबाव भारत था वो भ्रष्टाचार से युक्त भारत दुनिया के अंदर बदनामी करने वाला, ऐसी सरकार नहीं चाहिए ना? इसीलिए हम लोग आए हैं। 2 साल पहले मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया गया। 2 साल में हमने उत्तर प्रदेश में बड़ी तन्मयता के साथ कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहला काम किया था हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफी का। दूसरा काम किया बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करना। थाना चलने नहीं देंगे। आपके यहाँ बीती रावत में सपा की सरकार में पोचड़ खाना खोला जा रहा था ना, याद है लोगों को? बड़ा आंदोलन हुआ था, हम लोगों ने बहुत भयंकर आंदोलन किया था। पोचड़ खाना नहीं खोलने दिया था और हमने यहाँ के साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर जितने हुए पोचड़ खाने थे सबको बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद लोगों ने अपने गाय और बछड़े सब सड़कों पे छोड़ दिए, खेतों में छोड़ दिए। तो हम लोगों ने फिर एक और टीम बनाई, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स। हमने कहा कि पिछली सरकारों के समय जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा किया है, इसको चिन्हित करो, इसको कब्जा से मुक्त करो। कहीं गौशाला खोलो, कहीं धर्मशाला खोलो, कहीं चिकित्सालय खोलो, कहीं मेडिकल कॉलेज खोलो, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं पर कोई अन्य चीज खोलने की व्यवस्था हुई और देखते ही देखते विकास के कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। और बाकी जो जमीन थी हमने कहा गरीबों में पट्टा बांटने का कार्य करते हैं। अगर किसी निर्दोष को, किसी किसान को, किसी व्यापारी को मारोगे तो फिर उसका भुक्तभोगी भी होना पड़ेगा। और एक ऐलान कर दिया प्रदेश में कानून का राज होगा। और भाइयों बहनों आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो हम लोग पिछले 25 सालों से लड़ाई लड़ रहे थे, आज शांति है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो बड़ी खराब स्थिति थी, रोज तंगे, रोज फसाद, कोई पर्व त्योहार नहीं मनाया। तो ही गति हो गई, या तो जेल के अंदर है या राम नाम सत्य है की यात्रा निकल चुकी है। हर व्यक्ति सुरक्षित है और हर व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है। इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं कि सुरक्षा हम देंगे, चिकित्सा की सुविधा हम देंगे। और लोग परेशान थे इससे, लोग लगातार परेशान थे, कोई उनकी बात नहीं सुनता था। हमारे अपने पास इतनी सोच होती है, आज यही कारण है बड़ी मात्रा में निवेश कराया जा रहा है। ये निवेश औद्योगिक निवेश का कारण बनेगा। ये निवेश यहाँ के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ेगा। ये निवेश यहाँ के लोगों के चेहरे पर खुशहाली लाएगा। और इस निवेश के लिए उद्योग लगाने की कार्रवाई हम लोगों ने एक कार्य प्रारंभ किया है और वह कार्य है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को गोरखपुर में बेलघाट से सिकरीगंज और कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा। नौकरी गोरखपुर में मिलेगी, रोजगार गोरखपुर में मिलेगा, किसानों को अच्छा दाम उसकी उपज का गोरखपुर में मिलेगा, सहजनवा में मिलेगा। और विकास के लिए हम सबकी पहली प्राथमिकता विकास होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आप में बहुत सारे लोग कौन कौन लोग फिल्मों में काम करना चाहते हैं? बहुत बड़ी संख्या है, बहुत सारे लोगों का। अब सीता लाला तो हीरो तो नहीं बन पाएंगे ना, बुजुर्ग हो गए हैं।
लेकिन कोई राम तो दिया जा सकता, हीरो का बाप बन सकते हैं। कह रहे हैं सीता बाबा कि मैं दुर्योधन तो बन ही सकता हूं। देखिए अपने लिए पाठ भी ऐसा ढूंढते हैं हैं? लेकिन भाइयों बहनों चिंता मत करिए, खूब विकास होगा, खूब मनोरंजन होगा, नौजवानों के लिए एक मंच मिलेगा रोजगार का भी और नौकरी का भी, और इसीलिए श्री रवि किशन को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है। भोजपुरी को एक नई मंजिल दी है, एक नई मंजिल विकास को, एक नई मंजिल कला को, एक नई मंजिल यहाँ की संस्कृति को और यहाँ की परंपरा को, और उसी के लिए आज भाइयों बहनों आपके बीच में मैं आया हूँ। आप सबने मुझे सदैव भारी मतों से चुनाव जिता के भेजा, सदैव भारी मतों से चुनाव जिता के भेजा। मैं तो कभी कभी आता था न्याय पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके चला जाता था, कार्यकर्ता अपने आप बूथ भी संभाल लेता था, अपने आप चुनाव का पूरा प्रचार भी संभाल लेता था, कार्यालय भी संभाल लेता था, प्रेरित करने के लिए होगा। आप मान सकते हैं कि सहजनवा में भी 80% वोट पोल होगा, तैयार करा लेंगे सभी लोग अपने बूथ पर, सभी वोट डलवाने की तैयारी करवाएंगे, हर मतदाता को जागरूक करेंगे, देश के हित में, समाज के हित में, विकास के लिए वोट डलवाएंगे। तो यही कहने के लिए कि विकास की राजनीति होनी चाहिए, सुरक्षा की राजनीति होनी चाहिए, राष्ट्रवाद की राजनीति होनी चाहिए। कमल चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट मोदी जी को जाएगा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश सुरक्षित होगा, देश समृद्धिशाली होगा, देश वैभवशाली होगा, हर चेहरे पर खुशहाली आएगी, और उस चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही एक बार पुनः आप सबसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं कि 19 मई को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से श्री रवि किशन जी को यहां से चुनाव जिता करके आप भेजेंगे। यही अपील करते हुए आप सब मेरे साथ जोर से बोलेंगे भारत माता की। गोरखपुर तक पहुंचनी चाहिए भाई, ये पीछे भी सड़क में जो लोग खड़े हैं वे लोग भी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम के होने के बाद अब औपचारिकता की कोई बात नहीं रह गई।